શહેરની બરોડા હાઈસ્કૂલ બકીખાનાના ઉચ્ચ માધ્યમિક વિભાગના શિક્ષક સંજય બચ્છાવ દ્વારા 5 વર્ષ પહેલા સ્વતંત્ર દિવસ ઉજવવાના ઉપલક્ષ પર સૈનિકોને રાખડી મોકલવાની એક નવી પહેલ કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે શહેરના વિદ્યાર્થી મિત્રો વડોદરા ગ્રુપ દ્વારા અનેક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ અનેક ગ્રુપો પાસેથી રાખડી એકત્રિત કરીને 12,000 રાખડીઓ સૈનિકોને બોર્ડર પર મોકલવામાં આવશે, જે અંગે શિક્ષક સંજય બચ્છાવે વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું. हम 5 साल से ये प्रवृत्ति कर रहे हैं और ये जो राखियाँ है ये कारगिल द्रास बटालिक सेक्टर में जाती है और लास्ट ईयर ये राखियाँ जो है वो सियाचिन भी गई थी. 5 साल पहले जब ये प्रवृत्ति शुरू की तब ये 75 राखियों से ये शुरुआत की थी और ये इसी स्कूल के एक क्लास में शुरू किया था, मगर तब ऐसा पता नहीं चला था कि आगे ये जाकर ये जो प्रवृत्ति है ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी. क्योंकि उस साल जब यानी कि 2015 में जब ये राखियाँ भेजी थी 75 राखियाँ, तब हुआ ये कि रक्षाबंधन के दिन बॉर्डर से 3 लड़कियों को फोन आए थे जवानों के, और फिर दूसरे तीसरे दिन 3 लड़कों को लेटर्स भी आए थे. फिर 3 हफ्ते के बाद मुझे एक इन्वेलप आया वहाँ से कारगिल से ब्रिगेडियर साहब का, और उसमें उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया था कि ये उपक्रम मैंने शुरू किया. और फिर उस इन्वेलप में जो वो खत मैंने यहाँ से भेजे थे मेरे स्टूडेंट्स के, तो हर स्टूडेंट के लेटर को वहाँ के जवानों ने जवाब दिया था. तो इसलिए ये प्रवृत्ति हुई. और अब मेरे भूतपूर्व छात्र जो है वो थोड़े नाराज़ हो गए. उन्होंने कहा कि सर हमारे बारे में आपने क्यों नहीं सोचा. फिर मैंने उनको कहा कि दूसरे साल से यानी कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इट विल बी ओपन टू ऑल. और दूसरे साल बड़ौदा से 2200 राखियाँ हमने कारगिल भेजी थी. फिर तीसरे साल 5,500 राखियाँ भेजी थी. लास्ट ईयर 10,000 करीब 10,000 से ज़्यादा राखियाँ गई थी. और अब 2 दिन पहले तक ये 12,000 राखियाँ तो आ गई है. उसके बाद भी राखियाँ आना चालू ही है और अलग अलग राज्यों से भी राखियाँ आ रही है. वैसे तो इस साल दुबई से भी एक पार्सल आया है 153 राखियों का. पिछले साल करीब 12 देशों से वहाँ बसने वाली जो हमारी बहनें हैं उन्होंने राखियाँ भेजी थी. इस साल भी ऐसी ही राखियाँ आई है.